अरे ये लड़की यहाँ क्यों बैठी है इस जंगल में, इस सुनसान जंगल में कहाँ से बैठी है? इसको डर नहीं लग रहा है? चलो उसके पास जाकर मैं देखता हूँ क्यों बैठी है अकेले जंगल में लड़की होके। देखता हूँ, जाता हूँ उसके पास। ए लड़की, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ यहीं पर बैठी हो। क्यों बैठी हो यहाँ पर? जंगल में कोई शेर फेर आ गया तो क्या करोगी? यहाँ से जाओ। मेरे घर में लड़ाई हो गई है इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, और मुझे घर से निकाल दिया है इसलिए मैं गुस्से में यहाँ चली आई, यहाँ पर इसलिए बैठी हूँ। और तुम्हें क्या मतलब है मुझसे? अरे मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पर बैठी हो जंगल में, कोई ना कोई जानवर आ गया तो तुम्हें खा भी जाएगा। मैं तो खुद जंगल के रास्ते से निकल के जा रहा था और रात भी होने वाली है, फिर देख लेना मैं तो चला जाऊंगा। अरे तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं डर लगता है किसी भी जानवर से, मगर मैं चली जाऊंगी मेरा मन करेगा तो। ठीक है मुझे क्या, मैं तो अपने जाता हूँ रास्ते अपने। तुम तो बड़ी घमंडी लड़की हो, मैं तो जाता हूँ। ठीक है यहाँ से निकलो जल्दी से, मुझसे कोई रास्ता मत रखो। चलो यारो मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ, वो लड़की वहाँ रह गई है, अब मैं क्या करूँ? वो इतनी घमंडी लड़की है कि किसी की बात नहीं समझती है। जब वो घर से रोड के जंगल में आ गई तो मेरी क्या समझेगी? वो जब घर वालों की नहीं मान रही होगी तो फिर मेरी क्या समझेगी? चलो मैं तो आ गया हूँ, अब मैं इसके बेंच पे बैठकर थोड़ा देर वो कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। चलो अब यहाँ आकर थोड़ा मुझे सुकून सा मिल रहा है, अब मैं यहीं पे बैठ कर थोड़ा, अगर लड़की इधर की तरफ आएगी तो मैं उससे बात करके उसको घर छोड़ दूँगा, मन नहीं आई तो कोई बात नहीं। ठीक है। अरे यार ये कैसा लड़का है, एक अकेली लड़की को छोड़ गया, मगर क्या करेगा वो भी, मैं भी तो इतनी घमंडी लड़की हूँ जो उसकी बात तो सुनी तक नहीं रही थी। अब तो खैर मुझे डर भी लग रहा है, अब कैसे मुझे जाना है? ये जंगल का रास्ता तो मैंने देखा भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। चलो मैं रास्ता देखते हूँ, इधर उधर कहीं रास्ता निकलता है तो मैं जाती हूँ। अरे इधर तो कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ देख रही हूँ फिर भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अरे इधर भी आया हूँ फिर भी इधर भी नहीं दिखाई दे रहा मुझको, मैंने तो आज बहुत बड़ी गलती कर दी, जंगल में फंस गई। अरे यहाँ तो उल्टे सीधे दाएं बाएं कहीं किसी भी रास्ता नहीं मिल रहा, वो लड़का कहाँ से निकल गया पता नहीं चला। देखती हूँ उसी के पीछे पीछे रास्ते से निकलती हूँ, कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलेगा। चलो आगे वाले रास्ते से मैं निकलती हूँ, हो सकता है आगे कहीं रास्ता मिल जाए। चलो देखते हो आगे, तो ये रास्ता यहीं पर खुलता है इसलिए मैं इस रास्ते पर आ गई हूँ, शायद ये लड़का भी यहीं पर बैठा है, हो सकता है मेरा ही इंतजार कर रहा हो, लगता है ये भला मानुष है। चलो मैं थोड़ी देर में अगर बातें करता है तो बात कर लूँगी। अरे तुम जंगल से निकल के यहाँ पर आ गई, अरे मैं तो यही सोच रहा था कोई जानवर आ गया होता तो शायद तुम्हें कोई खा जाता, मैं इनके साइड वापस नहीं आ पाती इसलिए मैं तो बैठा थोड़ा इंतजार कर रहा था, शायद आ गई तो अच्छा रहा, नहीं तो जानवर का खतरा था।
अरे मेरा गुस्सा उतर गया थोड़ा, और फिर मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था, इसलिए फिर मैं निकलने की कोशिश कर रही थी जंगल से, मगर जंगल से निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। बार बार मैं किसी न किसी रास्ते से देख के फिर अब इस रास्ते पर आ पाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ बैठे हुए हो, जिससे कि मुझे डर नहीं लग रहा। तो आ गई हो तो थोड़ा बेंच पर बैठकर आराम कर लो, जिससे कि थकान मिट जाएगी और घर आसानी से चल सकोगी। ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मैं थोड़ा बैठ लेती हूँ फिर चल जाती हूँ घर पे। अब अच्छा लग रहा है ना? अब तो नहीं डर लग रहा? हाँ, अब तो अच्छा लग रहा है और डर भी नहीं लग रहा। अच्छी बात है कि तुम मुझे मिल गए। अच्छा फील कर रही हो तो मैं एक बात पूछूं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी अगर तुम्हें अच्छा लगे तो? नहीं, मैं लड़कों से बात क्या दोस्ती और बातें कुछ भी नहीं करती हूँ। फिर भी चलो, तुम अच्छे लड़के हो, इस वजह से मैं थोड़ी सी दोस्ती कर लेती हूँ। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, अच्छा लड़का हूँ। तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो और मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्ती करके। फिर जाने कब मिले कोई पता नहीं। मैं थोड़ा अच्छे लगते हो इसलिए मैं तुमसे दोस्ती कर लेती हूँ, मगर मुझे बहुत टाइम हो गया है, मेरे माँ बाप देख रहे होंगे इसलिए मुझे जाना होगा। ओके, फिर तुम जाओ, फिर कभी यहीं मिलना मुझसे अगर मुलाकात हो सके तो। ठीक है, कभी अगर इधर आना हुआ इस जगह पे तो शायद मिल सकूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूँ अब फिलहाल। अगर कभी मेरी मुलाकात हो सकी तो हो सकी, नहीं तो फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है, और तुम भी अपने घर चले जाना टाइम से, मैं भी अब जा रही हूँ घर पे। ओके, तुम जाओ, मैं भी चला जाऊँगा, तुम चली जाओ। ओके ओके बाय। ओके बाय। बेटा, हम कितनी देर से देख रहे हैं, तुम कहाँ चले गए थे? इतना भी कोई गुस्सा होता है क्या अपने घर वालों से? तुमको थोड़ा सा क्या डांट दिया, तुम तो चली गई घर पे से, हैं? मैं और तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो गई। पिताजी, थोड़ा मैं गुस्से में हो गई थी, इस वजह से मैं चली गई थी, अब नहीं जाऊँगी। मैं अब आ गई हूँ, अब फिर कभी नहीं जाऊँगी। इतना मैं गुस्सा भी नहीं करूँगी, हमेशा साफ आपके साथ जो कहेंगे वही करूँगी। क्या बेटा, आज के बाद ऐसा मत कभी करना, कभी घर छोड़ के मत जाना। चलो अब तुम अंदर चले जाओ, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही थी तुम्हारा और वो बहुत परेशान है। ओके पिताजी, कभी अब मैं नहीं जाऊँगी, अब मैं माँ को ख्याल रखूँगी और अब कभी नहीं जाऊँगी। और मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी नहीं जाऊँगी। ओके बेटा, तुम अंदर जाओ, माँ को देखो, जाओ। बेटा तू आ गई, मेरा तो रोते रोते बहुत परेशान हो गई, पूरी रात निकल गई और तुम पता नहीं कहाँ चली गई थी, और मेरा तो बुरा हाल हो गया। बेटा तू जल्दी आ गई तो बहुत अच्छा किया, आ मेरे पास आ जा। हाँ मम्मी, मैं गुस्से में चली गई थी, अब कभी नहीं जाऊंगी, और मैं जंगल में पहुंच गई थी, मैं फंस गई थी वहाँ पे और मुझे बहुत डर लगने लगा था। एक लड़के ने मुझे थोड़ा सहारा दिया जब मैं घर पे आ पाई हूँ, नहीं तो मुझे बहुत डर लग गया था। अब कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही आती हूँ और तुम्हारे पास रहूँगी। छोटी बच्ची तो हूँ नहीं, थोड़ा सा डांट देते हैं तो ऐसे चली जाती हूँ।
आज के बाद बेटा कभी मत जाना तुम। ठीक है माँ, कभी नहीं जाऊंगी, अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे कितना भी डांटोगे तब भी नहीं जाऊंगी। ओके, प्रॉमिस करती हूँ मैं। चलो बेटा, अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारी वजह से, इसलिए सो भी नहीं पाए और तुम भी नहीं सो पाई होंगे। अब तुम और हम दोनों सोते हैं। ओके माँ, मैं भी सोती हूँ, तुम भी सो जाइए, परेशान मत हो। बस अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सो जाइए। मैं भी, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट बेटे, सो जाओ।